तुम्हें अगर बैतुल्ला के पोछे लगाने की जॉब मिले, लोगे? पैसे हो ना हो, एक साल का वॉलंटियर वर्क है, बैतुल्ला का पोछा लगाना है रोज, बगैर सोचे समझे। मैं आ रहा हूं जी, मैं लगा लूंगा जाके। लीडर आलिम होता है और आलिम ही लीडर होता है। दैट्स हार्ड टू डाइजेस्ट। बगैर इल्म के लीडर लीडर नहीं बन सकता। क्यों? काफिर के लिए खैर शर के अंदर आखिरत का होना लाजिम है या नहीं? तो उन्होंने वास्ते मैच होनी चाहिए। सिर्फ मुसलमान लीडर के लिए आलिम होना लाजिम इसलिए क्योंकि उसके हर फैसले में उम्मत की आखिरत जुड़ी हुई है। इसलिए वो अपनी डिप्लोमेसी और सियासतों के अंदर ये सोच रहा होता है, मैं इनकी आखिरत तो खराब नहीं कर रहा कहीं। इसलिए अगर उसे अरबी नहीं आती, फिका नहीं आती, हदीस नहीं आती, आखिरत नहीं पती, वो किस तरीके से बैठ के एक कौम में एक मिजाज डाल रहा है, उसे उसके प्रोज एंड कॉन्स ही नहीं पता। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अगर बैतुल्ला के पोछे लगाने की जॉब मिले, लोगे? पैसे हो ना हो, एक साल का वॉलंटियर वर्क है, बैतुल्ला का पोछा लगाना है रोज, बगैर सोचे समझे। मैं आ रहा हूं जी, मैं लगा लूंगा जाके। 5 साल मस्जिद का मुतवल्ली रहा हूं, जो अल्लाह के घरों को साफ करने का मजा है ना, वो दुनिया के उससे बड़ी क्या नेकी होगी। अगर बैतुल्ला की तामीर करने के लिए आज सऊदी गवर्नमेंट अगर तुम्हें कहे जी हमें पाकिस्तानियों का पैसा चाहिए, अल्लाह की कसम में पाकिस्तान लुटा देगा अपने आप को। आज बैतुल्ला बचाने का वक्त आया, 79 में तो कौन सी फौज थी? पाकिस्तानी लोग खड़े हुए थे ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्ला की तामीर कर रहे हैं, आला तरीन काम है, हैं? फिदा का अभी वम उस दौर। लेकिन नबी ने हतीम नहीं बनाया, हतीम कॉम्प्रोमाइज किया गया है मेरे बच्चों। हतीम कॉम्प्रोमाइज क्यों किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? किस कबीले से जंग का डर था? बकर कबीले से, कि अगर आपने बनाया हम जंग मुसल्लत कर देंगे। आप सल्लम ने नेकी का इतना बड़ा काम कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि जंग ना हो, कलेटरल डैमेज। तो तुम कहते हो अमेरिका आए तो असी जाके फटन हो रहे अंदर जाके। ये है मोमिन, लात तमन्नो लिखा लो, दुश्मन से मुलाकात की तमन्नाएं मत करो, ये दीन नहीं है। हां अगर मैदान जंग में पहुंच जाओ तो पीछे नहीं हटना, इससे बड़ी बगैरती भी कोई नहीं है। फर्ज ऐन का तीसरा जिहाद होने किताल का फर्ज ऐन का उसूल ये कि अगर तू पहुंच गया है बैटल फील्ड में, अब पीछे हटना दुनिया की सबसे बड़ी बेशर्मी है। लीडर ने फैसले करने होते हैं, सियासी लीडर ने भी, खैर शर आखरत उम्मत मसाइल दीन नेकी को सामने रख के। वो सिंपल मैथमेटिक्स नहीं कर सकता, समझ रहे? अब मेरा एक बच्चा है, इब्ने कय्यम लिखते हैं इमामुल इलामुल मौकईन में कि अगर कुछ लोग शतरंज खेल रहे हैं जो कि हराम काम है, सुनो उन फतवा, बड़े लोग अल्लामा बने देने आज। अगर एक आदमी शतरंज खेल रहा है और तुम नहीं अनिल मुनकर कर रहे हो वहां पर, और नहीं अनिल मुनकर करने की वजह से वो शराब में मुलव्वस हो रहे हो, वो फारग होके शराबी बन रहा है, तो छोटे मुनकर को छोड़ दो के कहीं बड़ा मुनकर ना खड़ा हो जाए। यह है फिका, यह है कुलियातुद्दीन, कवायदे फिक, खैर शर के मुआजने करना। कैसे एक उम्मत का लीडर जो है वो आलम नहीं होगा, मुझे बताया।